केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार के इस बजट को युवाओं को निराश करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि पहले तो केंद्र सरकार देश के युवाओं से माफी मांगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि वह देश के 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देगी, लेकिन सरकार के हर बजट की तरह ये बजट भी युवाओं को धोखा दे गया है। हरीश रावत का कहना है कि केंद्र सरकार के आखिरी साल का ये बजट धन विहीन है, क्योंकि बार बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बात कह रही थी कि अगले 3 साल का ध्यान रखा गया है। इसका मतलब केंद्र सरकार के पास अपनी तमाम योजनाओं के लिए पैसा ही नहीं है। पूरा देश एक बार फिर केंद्र सरकार के बजट से निराश हुआ है और उत्तराखंड को भी इस बजट में घोर निराशा का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि उत्तराखंड पूरे देश को हवा और पानी देता है। लिहाजा राज्य के जंगल और जमीन के रूप में अपने योगदान के लिए अलग से बोनस मिलना था, वह भी इस बजट में नदारद है। यही नहीं, तमाम आपदाओं से परेशान उत्तराखंड केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर थका हुआ महसूस कर रहा है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। इस बजट में अधिकांश मामलों में जिसमें वित्तीय प्राविधान निहित हैं और जिसको एक वादे के रूप में कहा गया, ये कहा गया है कि ये 3 वर्ष आगे के 3 वर्षों के लिए, इसका मतलब है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार के पास धन नहीं है और इसलिए लायबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में वित्त मंत्री ने कहा है कि ये 3 वर्ष के कोष के लिए।